Hey guys, welcome back to my channel Dr. T. In this video, I'll be talking about the 5 most important mistakes that I made that you shouldn't for NEET PG. Okay, so before starting the video, main ye ekdam straightforward bol do without any sugar coating that if you have an aim of getting under 1000 or 2000, I am not the person for this. You should go and follow Aditya Gupta aims. Because sir literally tells exact things to be a topper, and I have never achieved that rank. And ना मेरा ऐसा aim था कि मुझे 1000-2000 चाहिए. मेरा aim था कि मुझे बिना drop के government चाहिए coming from private, क्योंकि मेरे अंदर तब उतना ही confidence था. To get a decent rank, to get my dream branch which was anesthesia, to get my dream college which was Tata. And I am here, तो कुछ चीज़ें तो सही वर्क कर ही होंगी मेरे लिए. तो अगर आप मेरे जैसे हो who doesn't aim to be AIR 100,000 but you still are an average above, you are no topper but an average above, जिसको उस लीग में घुसना है, जिसको मेहनत के दम पे आगे बढ़ना है continuously. You want to be better version of yourself, and if you're coming from background like me, like private FMG, if you are one of us, then keep watching this video. So the first biggest mistake what I did was I was in fourth year in 2020 COVID. ठीक है, तो colleges लगते नहीं थे, तो I made all my notes of fourth year, all वो medicine, surgery, obs, gyne. Derma, radio, everything. ठीक है, फोर्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट्स. बट मैंने जो एक गलती करी कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए. मुझे लगता था कि मुझे बहुत आता है फर्स्ट सेकेंड ईयर, इतने अच्छे से मैंने पढ़ा है, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, उसके तो मैं डायरेक्ट MCQ लगा लूंगी. एंड आई डिड नॉट मेड इट. एंड देन जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई और जब मैंने क्वेश्चन लगाए, थ्योरी बहुत अलग होती है, क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं, तो मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड कुछ समझ ही नहीं पाई. और फिर मुझे स्टार्टिंग से एनाट, फिजियो, बायोकेम एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने पड़े. बट आई वॉन्ट टू से इज जो गलती मैंने करी आप लोग मत करना. आप लोगों का जैसे पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम थर्ड ईयर. फर्स्ट सेकेंड ईयर फुल इन्जॉय करो, फुल अच्छे से पढ़ो, थ्योरी बुक्स पढ़ो, सब करो. थर्ड ईयर में तुम लोगों के पास लिटरली कुछ काम नहीं है, दैट इज PSM एंड FMT, एक एक महीने के सब्जेक्ट्स ही हैं. बाकी के 10 महीने मेक नोट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, उसकी प्रिंटेड फोटोकॉपी ही कराना मैरो के नोट्स से. ठीक है, फर्स्ट इज PSM. PSM एंड वक्त तक PSM के ग्राफ्स, PSM के डेटा, PSM की पूरी अप्रोच चेंज होगी. ठीक है, टिल द लास्ट ईयर, जब तुम नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हो उस साल तक वो चेंज होगी. इसलिए PSM का नोट्स बिल्कुल मत बनाना. सेकेंड, रेडियो. रेडियो इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी और टू मेक नोट्स. रेडियो की प्रिंटेड ही लेना, प्रिंटेड में तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. CT, एक्सरे, सारे डायग्राम्स तुम्हें समझ आएंगे, और रेडियो के क्वेश्चन हमेशा पिक्चर फॉर्म में आते हैं. थर्ड, जो मैंने जो एक्सपीरियंस करा है कि बायोकेम के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे. बायोकेम की प्रिंटेड वॉज मोर देन इनफ, क्योंकि बायोकेम में याद रखना है एंजाइम्स के नाम इन द एंड, साइकिल्स पूरी याद रखनी है. तो वो तुम जितनी बार देखोगे उतना ही फायदा होगा, तो नोट्स बनाने में बायोकेम में उतना मुझे तो फायदा नहीं दिखा. तो इन 3 सब्जेक्ट्स की फोटोकॉपी करा के उसमें बार बार मार्क करना. एंड ऑल्सो मैरो में एक सेक्शन है पैथोलॉजी का जिसमें सिर्फ पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं, उसकी भी फोटोकॉपी कराना इफ यू आर अपियरिंग फॉर नीट और नेक्स्ट. दैट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, ये गलती करी मैंने फर्स्ट, दैट आई डिड नॉट प्रिपेयर नोट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. आई डायरेक्टली जम्प टू थर्ड एंड फोर्थ ईयर. ऑन टू सेकेंड पॉइंट. ओके, तो ये सब बोलते हैं फ्रॉम टॉपर टू नॉन टॉपर वट एवर इट इज, सब बोलते हैं कि काश हमने GT और पहले देना चालू करी थी. मैं भी सेम बोलूंगी, मैंने GTs नवम्बर मिड से देना चालू करी, और मैंने मेरी एग्जाम थी तो लिटरली नवम्बर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ्स, जिसमें से जैन में मुझे कोविड हो गया था एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो होल जैन आई कुडंट स्टडी. तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ही मैंने GT दिया है. यही अगर मैं और पहले चालू कर देती तो
3-4 हज़ार रैंक और ऊपर होती मेरी। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्यों, क्योंकि तुम जितना जीटी दोगे उतना तुम्हें आइडिया लगेगा विच टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, वॉट क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्ड, कौन से टॉपिक से वो इधर का भी पूछ रहे हैं उधर का भी पूछ रहे हैं दे, एंड स्पेशली कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो वो उसी टॉपिक से पूछते हैं, उसी का ए पूछ लेंगे, उसी का बी पूछ लेंगे, उसी का सी पूछ लेंगे एवरी ईयर, तो मुझे आइडिया और ज़्यादा लगता और मैं वो टॉपिक्स और अच्छे से करके जाती। इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो, तुमने नहीं पढ़ा हो तो भी जीटी देना, मेरी जैसी गलती मत करना कि मैं ऐसी थी कि एक बार मेरी फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं जीटी दूंगी, मत करना। नहीं आता है दे दो, आंख बंद करके दे दो, आइडिया लगेगा तुम्हें। और एक और चीज़, जीटी 3.5 घंटे बैठ के देना रहता है, ठीक है, आदत अपन में से किसी को नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रील्स वी आर वॉचिंग अपना टाइम स्पैन बहुत कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टाइम स्पैन। तो तुम अगर फर्स्ट वीक के बाद जीटी देना चालू करोगे तुम्हें 3.5 घंटा जीटी में एक जगह बैठ के देने में मौत आने लगेगी। इसलिए यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन कि बाय द एंड जब तुम्हारा फर्स्ट रीड खत्म हो तब तक तुम्हें आदत लग जाए 3.5 घंटे बैठने की, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। द मिस्टेक नंबर 3, जैसे मैंने आप सबको बताया कि कोविड सेकेंड ईयर था, क्या हिट करा था, हमारी कितनी हैवी इंटर्नशिप्स होती थी, हमें टेलीपोस्टिंग करा दिया था, हमें आईसीयू पोस्ट करते थे, इंटर्न्स कभी ऐसे पोस्ट नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली तब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ था तो हमें भी बुलाते थे। फिर हुआ नीट पीजी 2021 डिले, फिर काउंसलिंग डिले हुई, जो बच्चे आने थे सितंबर 21 में, जो पीजी फर्स्ट ईयर 21 सितंबर को आने थे वो आए मार्च 2022 को, जब तक हमारी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी। तो लिटरली हमारे पास वो 8-9 मंथ्स ऑफ द होल इंटर्नशिप, वी डिडंट हैव पीजी फर्स्ट ईयर्स, इट वाज जस्ट इंटर्न्स एंड डायरेक्टली पीजी सेकंड ईयर, तो हमसे ही वो फर्स्ट ईयर का सारा काम कराते थे, तो हमारी इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा हैवी थी। और जो मैंने गलती करी कि आई लेट इट टेक अ टोल ऑन माई सेल्फ, कि मैं इतना ज़्यादा फिजिकली टायर्ड हो जाती थी, ऑब्वियसली तुम 12-13 घंटे काम करोगे तो हो गए टायर्ड, लेकिन मैं अपने आप को मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं बना पाई। मैं आती थी काम करके, मैं सो जाती थी और फिर सुबह उठती थी रोती थी कि अरे मैं कल फिर कुछ नहीं पढ़ पाई, और फिर सेम रिपीट। आई शुड हैव मेड माई माइंड स्ट्रांगर कि कुछ हो जाए मैं 25-25 क्वेश्चन के सेट लगाऊंगी दिन भर में, चाहे वो खाते टाइम हो, चाहे वो किसी का बीपी लेते टाइम हो, कुछ हो जाए, लेकिन पर डे मैं 100 क्वेश्चंस लगाऊंगी। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटर्नशिप मैंने सिर्फ नोट्स बनाने में टाइम निकाला, तो उस टाइम पे जब मैं नोट्स नहीं बना पाती थी और जब मैं ऑन ड्यूटी ऑन कॉल होती थी तब मुझे उस टॉपिक के जिसके मैंने नोट्स बनाए उस टॉपिक के मुझे 25 क्वेश्चन लगाने थे। एंड इन द लेटर हाफ ऑफ द इंटर्नशिप, द लेटर 6 मंथ्स, मेरे जब फर्स्ट रीड हो गया था करके, तब मुझे कस्टम मॉड्यूल्स लगाने थे 25-25 क्वेश्चन के। लेटर हाफ में मैंने वो काम करा, लेकिन मैंने वो फर्स्ट हाफ में वो काम नहीं करा, तो मेरी एक्यूरेसी और थोड़ी ज़्यादा होती। तो थकोगे तुम, रोगे तुम, सब चलेगा, लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो कि 25-25-25 के 4 सेट दिन भर में लगाने हैं, चाहे कितनी भी हेक्टिक पोस्टिंग हो। अगर नहीं पढ़ा है तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो टॉपिक के नोट्स बना रहे हो उसका लगाओ, अगर फर्स्ट रीड हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है, तो कस्टम मॉड्यूल के 25-25-25 के सेट लगाओ। डोंट वेट लाइक मी फॉर योर फर्स्ट रीडिंग टू गेट ओवर एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग ऑन टू 4th पॉइंट। अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो कि एक साल है, हाँ हाँ देख लेंगे, लेकिन फिर जैसे ही 7 महीने बचते हो, जब तक तलवार नहीं लटकती तब तक तुमसे काम नहीं होता, प्रेशर में ही हमसे काम होता है और प्रेशर में ही हमसे पेस बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो वाला प्रेशर कि 1 महीने पहले सोच रहे हैं कि अरे अरे हम निकाल लेंगे, मैं उतना हैलुसिनेशंस की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिस्टिक प्रेशर की बात कर रही हूँ कि हाँ अभी 8 महीने हैं और हमारा पूरा जान दे सकते हैं, अभी 6 महीने हैं हम कर सकते हैं, सबको अपना अपना पता होता है। सो एज आई टोल्ड यू गाइज कि मेरा फर्स्ट हाफ नोट्स बनाने और ये सब करने में चला गया, इंटर्नशिप, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स आई ट्रेंड माई माइंड कि कितना भी हैवी हो मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आवर्स बढ़ाना चालू कर दिए कि 8 आवर्स, फिर 10 आवर्स, फिर 12 आवर्स, एंड अप्रैल में आते आते आई यूज टू स्टडी 18 आवर्स एंड देन स्लीप, 18 आवर्स एंड स्लीप, बस मैंने यही करा है इन द एंड।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने लिटरली 5 साढ़े 5 महीने में 18 के रैंक लाई है, एंड अगर मैं ला सकती हूँ तो आप लोग भी ला सकते हो, क्योंकि इतना सब कुछ नेगेटिव 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 होने के बावजूद मैं पढ़ ली, आई मेड एन एफर्ट, आई गेव 100%। तो जो बच्चे अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या जो फोर्थ ईयर में, जो थर्ड ईयर में, या जो अगले साल इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, यू गाइज स्टिल हैव द टाइम। एंड जो अभी 3 महीने में नीट देने वाले, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, अगर तुम लोगों ने फर्स्ट रीड दिया है, अगर तुमने अभी तक एक दो GT भी दिया है, यू स्टिल हैव द चांस टू गेट अ कॉलेज। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें मौलाना मिल जाएगा, तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें रेडियो मिल जाएगा, बट यू कैन गेट अ गवर्नमेंट सीट, मे बी नॉट इन रेडियो और मेडिसिन, बट ब्रांचेस लाइक पैथो, ENT, ऑप्थैल, एनेस्थीजिया, यू कैन गेट DNB, OBGY एट माई रैंक। सो डोंट लूज होप, मेक एन एफर्ट। एंड मैं यहाँ पे फालतू होप्स नहीं देना चाहती। अगर तुमने लिटरली एक बार भी नहीं पढ़ा, तुम अभी अभी किताबें खोल रहे हो, या तुमने अभी तक कुछ MCQs नहीं लगाया, या तुम ओरिएंटेड ही नहीं हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो मुश्किल है। लेकिन तुमने अगर एक दो GT दे रखे, तुमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रखे, तुम्हारी एक फर्स्ट रीड हो चुकी है, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन, यू लिटरली हैव टू जस्ट इंक्रीज योर पेस एंड गिव योर 100%। मैंने भी 5 महीने में निकाला है, तुम भी निकाल सकते हो। अगर तुम लोग फोर्थ ईयर में हो या अगले साल इंटर्नशिप चालू करने वाले हो, यू गाइस हैव वन फुल ईयर, यू कैन लिटरली गेट 2-3K रैंक इजीली। फर्स्ट डे से सिंसियर रहो, फर्स्ट डे से अपने माइंड को ट्रेन करो, मेरी जैसी गलती मत करना कि इंटर्नशिप से थक गए तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बॉडी थक रही तो दिमाग को भी थका दिया। बिकॉज तुम कुछ भी कर लो, कितना भी रो लो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बोलने, तुम्हें ही तुम्हारी लाइफ बनानी पड़ेगी, ना तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे पेरेंट्स, नोबडी विल हेल्प। तो तुम कितना भी थके हो, कुछ भी हो, कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, स्टिल 25 25 25 25 क्वेश्चंस। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, टू ऑल माय फेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट PG से उतना मत डरो। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा हो गया ये वो, मैं तुम्हें ब्रॉडली 3-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ। तब नीट UG के टाइम पे सब 17-18 साल के होते हैं, किसी को उतनी नहीं पड़ी होती अपनी लाइफ बनाने की, सब आशिकी कर रहे होते हैं, सब फोन में घुसे होते हैं, सबका दिमाग इधर उधर होता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी वर्ल्ड, जहाँ पे नहीं होना चाहिए, इट्स अ सैड रियलिटी। एंड ये होता है, हमें अक्कल कम होती है, अपन को टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है, और जब एक बार मुंह के बल गिरते हैं तो अपने आप जिंदगी कैसे जीते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब समझ आ जाता है। इसलिए तुम जो नीट UG में थे और जो तुम नीट PG की प्रिपरेशन के टाइम पे हो गए, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। गिव दैट रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ कि अगर तब नहीं कर पाए तो अब कर लेंगे। और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत बच्चे ऐसे जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाते हैं, एंड डू इट। तुम्हारा ये सोचने का तरीका तुम्हारी फेलियर तुम्हें आगे प्रमोट करेंगे। दूसरी चीज़, नीट UG में सबको MBBS करना होता है, सबको एक डिग्री चाहिए, और सभी एक ही लाइन में जा रहे होते हैं। नीट PG इज़ वेरी डिफरेंट। तुम जब नीट PG के लिए अपेयर होते हो, तुम 24 से 29 की एज में होते हो, आधों की शादी हो चुकी होती है। सम ऑफ द गर्ल्स डोंट वॉन्ट हेक्टिक ब्रांचेस, उनको 9 to 5 ही जॉब करना है, सो दे टेक पैथो, तो वो उधर छट जाते हैं, चाहे वो उनकी 1,000 रैंक हो, 10,000 हो या 50,000 हो, फिर वो पैथो लेंगी, क्योंकि उनको नहीं करना है इतना कि रात को 2-2 बजे उठ के अपनी फैमिली को छोड़ के वो जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ पैथो ले लेते हैं, कुछ MD की जगह DNB लेते हैं, क्योंकि DNB में बॉन्ड्स नहीं होते हैं, एंड MD एंड DNB इज ऑलमोस्ट इक्वल, अगर तुम DNB अच्छी जगह से करो तो लिटरली इक्वल, नॉट इवन ऑलमोस्ट। एंड तो लोग के प्रेफरेंसेज है, किसी का खुद का हॉस्पिटल है तो उसको MD की ज़रूरत नहीं, वो DNB से काम चला लेगा। कुछ किसी की थ्री, मैंने एक कुछ देख रही थी यूट्यूब पे, किसी जने की 3,000 ऑल इंडिया रैंक थी और उसने ऑप्थैल उठाया था, एंड दैट टू नॉट MD DNB। तो इट्स ऑल योर पर्सनल चॉइसेस कि तुम्हारी ब्रांच, तुम्हें जो तुम्हें ब्रांच चाहिए, जो तुम्हारी ड्रीम ब्रांच है, वो कौन से कॉलेज में या कौन से हॉस्पिटल में मिल रही है, और कौन से सर्जन के डायरेक्ट अंडर मिल रही है, क्योंकि
क्योंकि सिखाएगा तुम्हें वो सर्जन ही. इन पीजी इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट पेशेंट लोड, ऑल अबाउट लर्निंग. इट्स नॉट एट ऑल थियोरिटिकल व्हाट योर MBBS हैज बीन. तुम्हारा यहाँ पे टीचर तुम्हारा पेशेंट होगा और सही सीखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए या तो लोग कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं या ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. पीजी इज़ वेरी डिफरेंट, सब यहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं. MBBS में सबको एक ही चीज़ चाहिए होती, किसी को घर में प्रोवाइड करना है. वो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता है. कोविड में किसी के पेरेंट की डेथ हो गई है, दूसरे पेरेंट को संभालना है. दे वोंट लीव देयर सिटी, भले उनकी रैंक अच्छी हो या बुरी हो. तो वो उस हिसाब से चीज़ें चलती है. यू आर एन एडल्ट नाउ एंड नीड पीजी. में अगर तुम, मैं रियलिस्टिकली बताऊँ, इंटैथ हो भी अगर मैं सब बताऊँ, टोटल MD DNB और नॉन क्लिनिकल मिलाकर, नॉन क्लिनिकल आई एम जस्ट इंक्लूडिंग पैथ एंड फार्मा, ठीक है, नॉट इवन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स. पैथो तक अगर तुम्हें चाहिए एंड यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तुम्हें बस लाना है 40K के अंदर, तुम्हें मिल जाएगा 40K. यार तुम ले आओ, तुम्हें मिल जाएगा. इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर तुमने भले ही अभी 25% भी मेहनत करी है एंड तुम्हारी अब तुम्हें डर लगना चालू हो गया कि 3 months बचे हैं, यू गाइज कैन स्टिल डू इट. यू कैन मेक इट टू 75%, यू विल गेट अंडर 30K. एंड अगर तुम 30K तक अंदर आ जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ DNB पेरीफेरी में मिल ही जाएगा. देन इट्स अप टू यू कि यू वांट टू टेक ड्रॉप और नॉट, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. क्या पता काउंसलिंग में कुछ मिल जाए, क्या पता कुछ सीट खाली रह जाए. You never know. And every year competition is gonna increase because NEET UG में 18 लाख बच्चे दे चुके हैं, तो अब NEET PG भी 8-8 लाख बच्चे देंगे. एंड NEET PG में उतनी सीट्स नहीं है जितनी UG में थी. Competition is gonna be immense. So you better start preparing from the first month of internship. अगर आपको पसंद आया हो this outlook on NEET PG, NEET UG and what mistakes I made that you shouldn't, do like this video, share and subscribe. Coming up with more videos. Till then, bye bye.